हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकैबुलरी लर्निंग लेसन में हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से लिए हुए वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो मोस्टली न्यूज़ में हमें पढ़ने को मिलते रहती हैं। तो चलिए कर लेते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है नॉर्मलसी। नॉर्मलसी एक नाउन है जिसका मतलब होता है सामान्य स्थिति, मामूली हालत या साधारण हालत। सामान्य स्थिति मतलब नॉर्मल कंडीशन। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं नॉर्मल कंडीशन और नॉर्मेलिटी, और इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं एबनॉर्मलसी और एबनॉर्मेलिटी। इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है असामान्य या सामान्य से अलग। सामान्य मतलब जो नॉर्मल होता है उससे अलग। एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मलसी वंस द हॉलीडेज वर ओवर। छुट्टियां ख़त्म होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मलसी वंस द हॉलीडेज वर ओवर, मतलब छुट्टियां ख़त्म होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। ऑफिस जाना, स्कूल जाना, वो सब कुछ होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है डिज़ास्ट्रस। डिज़ास्ट्रस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, अमंगलकारी, विनाशकारी, दुख देने वाला, दुख देने वाली कोई स्थिति। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं कलेमिटस और फेटफुल। इन दोनों वर्ड्स का मतलब भी दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, अमंगलकारी, विनाशकारी या दुख देने वाली होता है। इसके अपोजिट वर्ड्स हैं फॉर्चुनेट और सक्सेसफुल। फॉर्चुनेट और सक्सेसफुल का मतलब होता है सौभाग्यशाली या सुखद, मतलब सुख देने वाली या खुशी देने वाली। केयरलेसनेस इन ड्राइविंग ऑफन रिजल्ट्स इन डिज़ास्ट्रस एक्सीडेंट्स। गाड़ी चलाने में लापरवाही से अक्सर विनाशकारी दुर्घटनाएं होती हैं। विनाशकारी मतलब दुख देने वाली या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं। तो डिज़ास्ट्रस का मतलब होता है दुख देने वाली या अमंगलकारी। नेक्स्ट वर्ड है हाल्ट। हाल्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बंद कर देना, रोक देना, रोक लगाना, रोकना या अवरुद्ध करना, मतलब कि कोई रुकावट डालना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं डिसकॉन्टिन्यूएशन, पॉज और स्टॉप, और इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं स्टार्ट और कॉन्टिन्यू, मतलब शुरू करना या जारी रखना। स्टार्ट मतलब शुरू करना और कॉन्टिन्यू मतलब जारी रखना। प्रोडक्शन हैज़ बीन हाल्टेड ड्यू टू फैक्ट्री स्ट्राइक। फैक्ट्री की हड़ताल की वजह से उत्पादन रुका हुआ है। प्रोडक्शन हैज़ बीन हाल्टेड ड्यू टू फैक्ट्री स्ट्राइक। तो हाल्ट का मतलब होता है बंद कर देना, रोक देना, रोक लगाना, रोकना या अवरुद्ध करना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं डिसकॉन्टिन्यूएशन, पॉज और स्टॉप, और इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं स्टार्ट और कॉन्टिन्यू। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिकल। क्रिटिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संकटपूर्ण, नाजुक, परेशानियों भरा या कठिनाई भरा। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं पारलस, एग्रीजियस और क्रूशल। इन सभी वर्ड्स का मतलब भी संकटपूर्ण, नाजुक, परेशानियों भरा या कठिनाई भरा होता है। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं अनक्रिटिकल और नॉन क्रूशल। द सिचुएशन हैज़ नाउ बिकम क्रिटिकल। स्थिति अब संकटपूर्ण हो गई है या स्थिति अब परेशानियों भरी हो गई है। द सिचुएशन हैज़ नाउ बिकम क्रिटिकल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी क्रिटिकल। मरीज की हालत बहुत नाजुक है। द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी क्रिटिकल। तो क्रिटिकल का मतलब होता है संकटपूर्ण, नाजुक, परेशानियों भरा या कठिनाई भरा, और इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं पारलस, एग्रीजियस और क्रूशल, और इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं अनक्रिटिकल और नॉन क्रूशल। नेक्स्ट वर्ड है अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निरंतर, लगातार, पूरा, बिना किसी शर्त के, शर्त रहित या बिना रुकावट के या फिर अबाधित। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं
अनकंडीशनल, अटर और कंप्लीट। अनकंडीशनल मतलब बिना किसी शर्त के, मतलब उसमें कोई भी शर्त ना हो। अटर मीन्स पूरा और कंप्लीट मीन्स भी पूरा। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं कंडीशनल और इनकम्प्लीट, मतलब शर्त के साथ और अधूरा। कंडीशनल मतलब शर्त के साथ, मतलब शर्त उसके साथ जुड़ी हुई हो, और इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। वी नीड एन अनमिटिगेटेड सपोर्ट फ्रॉम एवरी मेंबर टू रन दिस एनजीओ। इस एनजीओ को चलाने के लिए हमें हर सदस्य के पूरे सहयोग की ज़रूरत है, मतलब जो भी मेंबर हैं एनजीओ से जुड़े हुए उन सबके पूरे सपोर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट का ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब होता है भूल, चूक, असावधानी, गलती या लापरवाही। ओवरसाइट एक नाउन होता है, इसे नाउन की तरह हम यूज़ करेंगे। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं लैप्स और इनएडवर्टेंस। इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब भी भूल, चूक, असावधानी, गलती या लापरवाही होता है। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं माइंडफुलनेस और इमेंडेशन। माइंडफुलनेस मतलब सावधानी और इमेंडेशन मतलब गलती सुधारना। बिकॉज ऑफ योर ओवरसाइट वी आर सफरिंग अ ह्यूज लॉस इन आवर बिजनेस। तुम्हारी भूल की वजह से हम अपने व्यवसाय में भारी नुकसान उठा रहे हैं। बिकॉज ऑफ योर ओवरसाइट वी आर सफरिंग अ ह्यूज लॉस इन आवर बिजनेस। तो ओवरसाइट का मतलब होता है भूल, चूक, असावधानी, गलती या लापरवाही। नेक्स्ट वर्ड है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है छूट, मुक्ति या माफ़ी। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं डिस्काउंट, फ्रीडम या प्रिविलेज। इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं आंसरेबिलिटी और लायबिलिटी, मतलब जवाबदेही। अब आपको कोई छूट नहीं मिली है, आपको केवल जवाबदेही करनी है, आपको जवाब देना है अगर आप अपनी मर्जी से कुछ काम करें तो, आपको कोई छूट नहीं है। एग्जेम्पशंस ग्रांटेड टू फार्मर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन मस्ट बी फॉलोड। तालाबंदी के दौरान किसानों को दी गई छूट का पालन किया जाना चाहिए। एग्जेम्पशंस ग्रांटेड टू फार्मर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन मस्ट बी फॉलोड, मतलब किसानों को जो भी छूट दी गई है लॉकडाउन के दौरान उन्हें उसका पालन करना चाहिए, मतलब उसके नियम जो बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है फसल कटाई या फसल काटना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं रीपिंग और मोइंग। इन दोनों वर्ड्स का मतलब भी फसल कटाई या फसल काटना होता है। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं सोइंग और प्लांटिंग। सोइंग और प्लांटिंग का मतलब होता है बीज लगाना या बुआई करना या फिर रोपना, मतलब कि फसल को लगाना या उसकी बुआई करना। वी शुड हैव फिनिश्ड हार्वेस्टिंग बाय नाउ बट इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी सून। हमें अब तक फसल की कटाई कर लेनी चाहिए थी लेकिन जल्दी ही बारिश होने लगी। वी शुड हैव फिनिश्ड हार्वेस्टिंग बाय नाउ बट इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी सून। तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल कटाई या फसल काटना, और इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं रीपिंग और मोइंग, और इसके अपोजिट वर्ड्स हैं सोइंग और प्लांटिंग। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना, खरीद या खरीदना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं एक्विजिशन और बाय। एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्त करना या हासिल करना, और बाय का मतलब होता है खरीद या खरीदना। और इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं लॉस और सेल। लॉस का मतलब होता है घाटा होना और सेल का मतलब होता है बेचना या बेच। प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द फैक्ट्री इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारखाने के लिए कच्चे माल की खरीद उसकी जिम्मेदारी है। प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द फैक्ट्री इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना, खरीद या खरीदना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एक्विजिशन और बाय। नेक्स्ट वर्ड है अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बिना रुकावट के, निर्विघ्न या अबाधित,
मतलब कोई भी उसमें रुकावट ना आए या कोई बाधा ना आए। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं अनइंटरप्टेड और अनहैम्पर्ड। इन दोनों वर्ड्स का मतलब भी बिना रुकावट के या अबाधित होता है। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं हिंडर्ड और हैम्पर्ड, मतलब रुकावट के साथ या बाधित, जिसमें बाधा आए कोई ना कोई। ही प्रोग्रेस्ड इन हिज लाइफ अनहिंडर्ड एंड फुलफिल्ड हिज ड्रीम्स। उसने अपने जीवन में बिना रुकावट के तरक्की की और अपने सपनों को पूरा किया, मतलब उसके करियर में या उसकी लाइफ में कोई भी रुकावट नहीं आई और उसने अपने सपनों को पूरा किया। ही प्रोग्रेस्ड इन हिज लाइफ अनहिंडर्ड एंड फुलफिल्ड हिज ड्रीम्स। तो अनहिंडर्ड का मतलब होता है बिना रुकावट के, निर्विघ्न या बिना बाधा के। लास्ट में सभी वर्ड्स की वर्ड लिस्ट है आपके रिवीजन करने के लिए।